चीन एक बार फिर भारत सीमा पर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। भारत और चीन के तनाव के बीच चीन से एक और खबर सामने आई है। दरअसल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के साथ लगी सीमा पर निगरानी करने वाले पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांड का नेतृत्व करने वाले जू किलिंग का प्रमोशन किया है और चीनी सेना का उन्हें जनरल बना दिया है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास शुरू हुए गतिरोध के बाद तीसरे कमांडर बन गए। जानकार मानते हैं कि जनरल किलिंग के प्रमोशन ने उनके पूर्ववर्ती जनरल झांग शुडोंग के भविष्य को लेकर भी अटकलों को हवा दी है। जू किलिंग का प्रमोशन ऐसे समय पर हुआ है जब LAC पर भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बरकरार है। शी जिनपिंग सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अध्यक्ष हैं, वो PLA के ऑल ओवर हाई कमांड भी हैं। जिनपिंग के 58 साल के जू किलिंग को जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया है, जो चीन में सैन्य अधिकारियों के लिए सर्वोच्च रैंक है। जू किलिंग के अलावा 3 अन्य अधिकारियों को भी प्रमोट किया गया है। जू किलिंग के प्रमोशन की जानकारी चीन के स्थानीय अखबार ने दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जू को PLA के वेस्टर्न थिएटर कमांड का कमांडर बनाया गया है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि उन्होंने जनरल झांग की जगह ले ली है। जू किलिंग को पिछले साल 5 जून को वेस्टर्न थिएटर कमांड ग्राउंड फोर्स का प्रमुख बनाया गया था। वहीं लद्दाख में भारत के साथ तनाव के बीच 19 दिसंबर को जनरल झांग को कमांड का हेड बनाया गया। भारत और चीन पिछले साल मई की शुरुआत से पूर्वी लद्दाख में कई विवाद के चलते सैन्य गतिरोध का सामना कर रहे हैं। दोनों पक्षों के सैन्य और राजनयिक वार्ता की है। दोनों पक्ष अब बचे हुए तनाव वाले इलाकों से सैनिकों और हथियारों को हटाने की प्रक्रिया को लेकर बातचीत में लगे हुए हैं। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक दोनों पक्षों ने अभी सीमा पर 50,000 से 60,000 सैनिकों की तैनाती की है। अभी तक भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीन की ओर से फिर तनाव की स्थिति बन गई है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।